चलो तो पहले एक फ्यूल अप कर लेते हैं। आ गया इस साइड पे, नाउ गोल गोल घुमा के रख देते हैं, उस साइड लगाते हैं ना। ना वो भाई मेरा कार्ड का भरोसा नहीं, तो मेरे साथ उन्नीता है, उन्नीता का कार्ड देखेंगे, अगर हो गया तभी पे फ्यूल होगा, नहीं तो हैशटैग भेज देती। 400 कर दो, 410 मेरे दादा के बड़े। ओ भाई इसका लॉक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलो कंप्लीट, बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग यहीं से। एंड तो हेलो गाइस, दिस इज आरवी एंड यू आर वाचिंग आरवी ट्रैवल स्फीयर। सो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो सी आज निकले हैं थोड़ा एक शॉर्ट स्पिन, तो सोचा आप लोग के साथ थोड़ा बातें भी शेयर करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज गोना बी व्हाई आई चोज दिस बाइक ओवर एनी बाइक। पहले मैं मेरा निंजा 300 था मेरा ऑप्शन में, KTM 390 था, देन मैं RS भी देखा था एक बार, RS 200 होगा तो वो भी बजट फ्रेंडली है, वो भी अच्छा है। तो एंड द लास्ट ऑप्शन वाज माय ड्यूक। तो पहले ही मैं ड्यूक को छोड़ता हूँ क्योंकि इस बजट में मेरा नेकेड गाड़ी एकदम पसंद नहीं है मेरा। मेरा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता नेकेड गाड़ी चलाने में, तो वो एक प्रॉब्लम है। एंड द सेकेंड थिंग इज आई चोज दिस बाइक बिकॉज सी दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस उतना निंजा 300 RC जैसा उतना हाई नहीं है, KTM से भी कम है एज कंपेयर करूँ तो। इसका मेंटेनेंस में उतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, हाँ मतलब कुछ कॉर्स होता है जब ब्रेकिंग का कुछ इशू होता है तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा लगता है अगर ABS में कुछ प्रॉब्लम खराबी आता है तो। एंड द सेकेंडली आई गॉट दिस बाइक इन अ वेरी मिंट कंडीशन, जब ये सिर्फ 9000 चला था तब मुझे ये सेकेंड हैंड मिला, तो मैं उसी वक्त ये वाला ले लिया। मैं एकदम देरी नहीं किया, मेरा डैडी को बोला, मेरा डैडी से कुछ पैसा जोड़ा, मेरे पास कुछ थे सब मिलके टोटल इन 1 lakh आई टुक दिस बाइक। एंड मैं ये ख़रीदने के बाद खर्चा मतलब एक बार ऑयल सील मैंने इसका चेंज किया है और आर्मेचर एक बार एक चेंज हुआ है, बस ये दो लेके और मेरा कुछ प्रॉब्लम है अभी तक नहीं दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होंडा इज़ अ वेरी ट्रस्टेड कंपनी, तो इसका इंजन में मेरा पूरा भरोसा है। आई एम नॉट टेलिंग द अदर इंजन लाइक कावासाकी फावासाकी ये सब खराब है, लेकिन ठीक है अगर बजट फ्रेंडली में भी अगर आप पकड़ के चलो तो निंजा 300 से या RC से बहुत ही चीप है मेंटेनेंस, एंड वैसे कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई चोज दिस BS3 वाला एडिशन, दिस इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो BS3 गाड़ी में अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि रॉ पावर थोड़ा और ज़्यादा है, और BS4 में हाँ मुझे पता है कि और रिफाइंड कर दिया है बाइक्स, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उसका परफॉर्मेंस ही, उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिला, डिग्रेड हो गया 16 CBR का। तो इससे अच्छा है तो ये वाला जो इंजन है, जो BS3 का जो इंजन है 2012-2011 का जो मॉडल है, इसका पूरा इंजन आता था जापान से मेड होके। इसका माइलेज मैं सबसे कम ही अगर मिला तो 25 से मुझे कम कभी नहीं मिला, मैं पहले भी बोला है मैं जब बहुत रात चला था तो भी 25 से कम मुझे कभी नहीं मिला। एंड अभी तो फिलहाल मैं अभी ऐसे चल रहा हूँ तो 30 के ऊपर ही देता है मेरा, 30-31 ऐसे ही देता है। तो यस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आज जैसे कि आप लोग ने देखा कि एकदम आज का जो पेट्रोल का जो प्राइस है अभी का तो वो 102 है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के साथ एक बार शेयर करूँ कि व्हाई आई चोज, व्हाई आई लव दिस बाइक।
एंड अनदर जो बड़ा एक रीज़न है वो है सी आई लव टूरिंग ओके एंड KTM 390 बोलो कुछ भी बोलो मैं वहाँ पर निंजा 300 में भी कर सकेंगे लेकिन अगेन वो एक चीज़ बार बार आ जाता है साइड में वो है बजट सब कुछ में बजट मेरा ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा ये सब के लिए तो वो तो पहले ही बाहर एंड KTM 390 में मैं उतना फ्रीली उतना कंफर्टेबली मैं कुछ भी राइड नहीं कर पाऊँगा विच इज़ फैक्ट आप किसी को भी पूछ लो वो एक नॉर्मल शॉर्ट राइड शॉर्ट हाईवे के लिए बहुत ही अच्छा है मुझे पता है और CBR मुझे सब कुछ दे देता है एकदम लगभग उतना KTM 390 उतना इनिशियल नहीं हो भी तो भी दे देता है एक नॉर्मल एवरेज बाइक से ज़्यादा मुझे इनिशियल टॉप स्पीड सब कुछ है ये एन ऑल इन वन बाइक आपको कभी भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा जो भी आप जितने भी सुपर बाइक ओनर देखोगे जितने भी हाई क्लास हाई सीसी बाइक जो लोग भी चलाते हैं वो सबके पास आप मोस्ट ऑफ देम के पास एक CBR आप डेली यूज़ के लिए देखोगे ही देखोगे सो दैट्स होंडा एंड मुझे पता है कि ये वाला बाइक का डीसेल बहुत ही कम है तो डीसेल ज़्यादा नहीं है एकदम आपको 60-50,000 के ऊपर कोई लेगा भी नहीं ये वाला बाइक लेकिन अगर आप अच्छे से एक बार मेंटेन कर लो तो ये बाइक से अच्छा बाइक मैं अभी भी सुजुकी SF निकला SF 250 निकला लेकिन अभी भी 250 सेगमेंट में इससे अच्छा बाइक मुझे अभी तक नहीं मिला ड्यूक 390 भी आता है अच्छा अरे भाई एंड वन थिंग इसका ब्रेकिंग जो कि मैं एकदम ही बोलना भूल गया जो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था तो वन थिंग इज इसका ब्रेकिंग इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड 600 सेगमेंट से भी आप कंपेयर कर लो तो ये बहुत अच्छा ब्रेकिंग है मतलब नॉर्मल 400 कैटेगरी में किसी का भी ब्रेक इतना अच्छा नहीं है एंड अगर इसे आप मिशेलिन लगा दो तो और भी हो गया यस दैट्स इट और भी कुछ रीजंस है अगर याद में आया तो मैं बाद में कुछ बोल दूंगा आई रियली लव टू राइड दिस क्या तुम तो बोर हो रही हो तो एक्चुअली मेरे पीछे उनीता भी बैठा हुआ है तो सॉकेट बाजार में कुछ काम है मेरा तो इसलिए हम लोग उधर जा रहे हैं तो जाते जाते मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ वो अकेले पीछे बैठा है आई लव दिस ब्रेकिंग दिस वेरी वेरी कॉन्फिडेंट आपको कभी ऐसा फील नहीं कराएगा कि ये बहुत ज़्यादा ओ भाई ये सभी पार्क किया ये वाला बाइक इधर पे तो मुझे ऐसे रुकने का मतलब है ये वाला तो ये देख के मुझे ऐसे रोका गया है तो चलो कुछ खाते हैं तो चलो लेट्स एंटर तो यहाँ पर जो काम थे वो हो गया हम लोग को ऊपर बैठने नहीं दिया 8 बज गया अभी बजा है 8:05 वैसा कुछ तो इसलिए हम लोग को अलाउ नहीं किया तो ठीक है घर जाके ही खाना पड़ेगा ये वाला चीज़ हम ऑर्डर तो दे दिए थे वो ले लिए है ओए भाई 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 पुलिस मामा मुझे मत पकड़ो तो यस कुछ नहीं किया मुझे मैं बच गया तो जो कि मैं बोल रहा था CBR का CBR इज़ वेरी स्मूथ इंजन मतलब सिंगल सिलेंडर में एक ऐसा स्मूथ इंजन बहुत ही रेयर मिलेगा एंड BS3 में भी वो भी BS3 में इज़ अ 10 ईयर्स ओल्ड मशीन बट स्टिल नाउ दिस परफॉर्मेंस दिस ब्रेकिंग इट्स एवरीथिंग इज एकदम टॉप नॉच आपको मज़ा आएगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा चलाने में आपको कोई इशू नहीं होगा नहीं ये बाइक मेरा कंट्रोल से बाहर जा रहा है KTM 390 आपको प्रोवोक करेगा कि टॉप स्पीड खींचो आप मुझे और खींचो और ज़्यादा स्पीड उठाओ मुझको लेके लेकिन ये बाइक ऐसा नहीं है सब कुछ लीडियर नहीं करेगा इस टोटली पूरा आपका कंट्रोल में रहेगा सब कुछ ओ ठीक है बोले खाना है धीरे चलाओ
होप करता हूँ कि बहुत जल्दी एक ये कोविड सिचुएशन से एकदम ठीक हो जाए कि हम लोग जा पाए एक राइड पे अच्छा खासा एकदम 10-12 दिन के लिए। वो सच्ची में विश कर रहा हूँ, पैसा उसी के लिए मैं जमा रहा हूँ। बहुत जल्द और एक वीडियो आने वाला है इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई रियली डोंट नो आज इतना जैम क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और भी एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, इसका सीटिंग पॉस्चर कंपेयर टू KTM 390 कंपेयर टू मैं R15 से कंपेयर करूँ, इसका सीटिंग पॉस्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको उतना क्लिप ऑन हैंडल में उतना प्रॉब्लम जब दूसरे बाइकों में आता है वैसा आपको नहीं मिलेगा ये वाला प्रॉब्लम, तो इट्स वेरी गुड। ये ऑटो वाला का कुछ भरोसा नहीं है, वो इस साइड उस साइड जैसे जैसे घुस जाएगा। आई लव दिस कार, दिस इज अ वेरी स्मॉल कार, सी एस क्रॉस। ओह मी गो। तो अभी मेरा सामने वाला जो ब्रेक पैड है वो भी चेंज करना पड़ेगा, अभी तक ठीक है लेकिन मैं चेंज करा लूँगा, ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूँ ये वाला चीज़ जब चेंज करने गया था। ओ भाई क्या, चलो तो गाइस ये वाला वीडियो में बस इतना ही था, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो यहीं पर ही मैं मेरा वीडियो क्लोज करता हूँ, एंड ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करो वीडियो को, एंड जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है। मेरा लगता है कि मैं और अच्छा कर पाऊँगा तो मुझे ज़रूर बताओ कौन कौन चीज़ से मैं कर पाऊँगा। तो लेट्स सी, अभी आदमी लोग ऐसे देखते हैं ना मुझे, मुझे भी बहुत शर्म आता है, तो ठीक है काम है करना तो पड़ेगा। लेट्स सी, तो नाउ यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट सिग्नल। तो चलो करते हैं ये वाला वीडियो क्लोज, डू लाइक शेयर वंस अगेन एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, कि मैं सब पिक्चर्स मैं वहीं पर ही डालता हूँ सबसे पहले। चलो बाय बाय।